अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तानी फौज बॉलर वसीम अकरम ने मोहम्मद आमिर के हवाले से क्या कहा है। इसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर की कमबैक के हवाले से वसीम अकरम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि वसीम अकरम ने आज बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसने ICC T20 वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाती। उसने कहा कि स्क्वाड में मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक, शर्जील खान, फ़खर जमान को होना चाहिए। जिस खिलाड़ी को सेलेक्ट किया ये मेरिट पर स्क्वाड नहीं है। और उसने PCB से मुतालिबा किया कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम में वापस लाया जाए, मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल कर दिया जाए। और रमीज़ राजा से ये भी कहा है कि आप ICC T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को चेंज करो, नई स्क्वाड का ऐलान कर लो, ये स्क्वाड पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतवा सकता। तो इसने रमीज़ राजा के हवाले से कहा कि मोहम्मद आमिर को जल्दी जल्दी ICC T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर दो।